क्या करें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर आयोटा की टर्म्स अगर से चीज कर आयोटा से सर डिवाइड कर दे इक्वेशन को आई एक्स क्यूब एंड माइनस टू आई वो आर एफ इस साइड ले गए आई कॉमन तो ये कह रहा है कि आयोटा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x प्लस 2 आयोटा सर वो प्लस 2 आयोटा भी हो सकता है माइनस टू आयोटा इक्वल्स टू 3x अभी आयोटा कॉमन सर आयोटा कॉमन से आयोटा उधर डिवीजन एक दो माइनस आयोटा पूरी इक्वेशन को आयोटा से डिवाइड कर दो अब वही वही आएगा जैसा आप कह रहे हो आयोटा से डिवाइड कर दिया एक्स क्यूब हो गया माइनस थ्री आयोटा एक्स आयोटा माइनस क्यूब इक्वल्स टू जीरो माइनस क्यूब इक्वल्स टू जीरो चलो अब सो मैं एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ा था हम लोगों ने यस देखिए x क्यूब माइनस 2 प्लस 3x आयोटा इक्वल्स टू 0 है सब बोल सकते हैं हम लोग या फिर इसको लेके करो तो यहाँ से क्या बनेगा देखो आयोटा कॉमन एक्स क्यूब माइनस माइनस ऑफ थ्री एक्स अब इधर ये रियल पार्ट है yes. और ये इमेजिनरी पार्ट है इधर रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो तो क्या बनेगा बोलो आयोटा एक्स क्यूब माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू जीरो प्लस जीरो आयोटा तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स क्यूब माइनस टू तो एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कर रहा ना एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या मिलेगा जीरो जीरो माइनस टू आई टाइप प्लस टू जीरो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा ना इस इक्वेशन का कोई रूल नहीं है कॉमन निकाला कहीं नहीं गया ये कॉमन निकाला उसके बाद सर इधर आएगा आयोटा का मल्टीपल इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़ाया कुछ था बट पता नहीं क्या कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया माइनस थ्री एच क्या हुआ उसको आयोटा से डिवाइड किया आयोटा से डिवाइड
जब भी किसी टर्म को आयोटा से डिवाइड करते हैं तो वो माइनस ऑफ आयोटा बन जाती है ना आयोटा, जब आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये तो माइनस वन हुआ ये आयोटा और ये माइनस वन माइनस ये आयोटा ये माइनस वन प्लस हो जाएगा। चलो ये बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ पी प्लस टू आयोटा साइन थीटा कॉल 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल है तो थीटा क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे इस तरफ की टर्म के लिए पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। yes. अगर प्योरली रियल है तो यस प्योरली रियल होता है तो क्या होता है कंडीशन प्योरली रियल तो क्या कंडीशन होगी अक्सर की तरह होना चाहिए। बोलो प्योरली रियल हो तो इमेजिनरी पार्ट जीरो आयोटा का जो भी मल्टीपल होगा वो जीरो। सबसे पहले पी प्लस टू आयोटा साइन थीटा वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा थोड़ा करेंगे वन प्लस बनेगा।
टू आयोटा टू स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, टू का स्क्वायर फोर आयोटा का स्क्वायर माइनस 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 प्लस और साइन स्क्वायर थीटा देखो ये तो कितना हो जाएगा एट आयोटा साइन थीटा और थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट आयोटा साइन थीटा फॉर्म वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस फोर साइन स्क्वायर। अब देखो ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। अब क्या पूछा आपसे, प्योरली रियल तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो साइन थीटा एट साइन थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, देन साइन थीटा एन बार जीरो, देन थीटा एन बार, ओके। प्योरली इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट जीरो, फर्स्ट टर्म ना फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, अगर प्योरली रियल है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, फर्स्ट पार्ट कुछ भी होगा। सर ए टाइम नहीं जीरो होगा सर, हां ए टाइम जीरो नहीं, आई जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं, ए तो जीरो हो ही नहीं सकता, होता है तो ये जीरो होगा। अब सुनो प्योरली इमेजिनरी इसका मतलब इसका रियल पार्ट जीरो, और रियल पार्ट क्या है 3 माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो 3 इक्वल्स टू फोर साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा 3 बाय 4, देन साइन थीटा प्लस और माइनस रूट 3 बाय 2, प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, गो डाउन। अब अगर आप साइन थीटा को प्लस रूट 3 बाय 2 लिखते हो और साइन थीटा को माइनस रूट थ्री बाय टू लिखते हो, सीधा तुम दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सेकंड में आएगा, ये सेकंड में आएगा, और ये वो किस में आएगा, थर्ड में आएगा। ये फर्स्ट में आए तो कोई दिक्कत, फर्स्ट में ले लेते हैं सिक्स साइन थीटा की आपको दो वैल्यू मिली, अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू देखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा इसका और ये साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा वो दोनों पे एक साथ, यस दोनों अभी ये भी आगे होती है आपको प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अब बोलो किसी को डाउट, मैंने कॉन्सेप्ट मॉर्निंग में बताया ना, इफ जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी purely real then b equals to 0 multiple of iota is 0 and here multiple of iota is 8 sin theta and 8 sin theta equals to 0 then sin theta equals to 0 ठीक है, b तो 0 हो नहीं सकता ना, 1 plus 4 sin theta ये तो multiply हो जाएगा 0 के साथ,
तो मैं अब क्या लिखूंगा माइनस फोर आर स्क्वायर।
अब माइनस फोर आर स्क्वायर लिखा है तो माइनस फोर आर क्यूब लिखना पड़ेगा आर प्लस वन बनाने के लिए। मेरे पास माइनस थ्री आर था तो प्लस आर लिखना पड़ेगा। नहीं बात समझ आई? अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा? इन दोनों में से और इन दोनों में से इक्वल टू जीरो। आर प्लस वन होल कॉमन बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन। अब देखिएगा थ्री रूट आपको मिलेंगे। फर्स्ट रूट है आर इक्वल टू माइनस वन। दूसरा रूट है आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्या बनेगा? फोर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए सी और टू ए माइनस ये बन जाएगा आर इक्वल टू फोर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस फोर बाय टू। बाय टू क्या लिख सकता हूँ? टू रूट थ्री बाय टू। ये टू कैंसिल हो गया। आर इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और सब आपके पास थ्री रूट है। देखिए कौन कौन है? आर के वैल्यू माइनस वन, आर के वैल्यू टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट टू। अब आपको लगभग साइन फिफ्टीन डिग्री कॉस फिफ्टीन डिग्री टेन फिफ्टीन कॉस फिफ्टीन ये तो वैल्यू पता है। चलिए बताइएगा सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन होता है सेक पाई। क्या करेंगे? z का मतलब x plus iota y whole power 1 by k minus iota t। बताइए वो साइड क्या करेंगे? q q तो इधर क्या मिलेगा? x plus iota k minus iota b का whole cube कितना? माइनस आयोटा बी का क्यूब प्लस ठीक है प्लस बी के स्क्वायर बी के स्क्वायर बी का मतलब माइनस आयोटा बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस वन आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? स्टेप का कोई डाउट? अब देखिएगा एक्स प्लस आयोटा बार ये ए क्यूब और कोई कौन और रियल वाला पार्ट है? ये तो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला। ये भी आयोटा वाला उसको देखिए ये क्या है? माइनस थ्री ए बी स्क्वायर है माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा बताओ? आयोटा कॉमन। अब ये देखो क्या है आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा माइनस आयोटा ये माइनस प्लस आयोटा। अब आयोटा कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस किसी को डाउट? बोथ साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो x किसके इक्वल होगा बोलो? a क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर। अब इसमें से a से डिवाइड करो तो x बाय a क्या हुआ? a स्क्वायर क्लियर। अब इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल तो y किसके इक्वल? b से डिवाइड किया तो y बाय b अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो x बाय a माइनस y बाय b x बाय a माइनस y बाय b क्या बनेगा?
माइनस ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कितना हुआ? तो k कितना हुआ? 4. k की वैल्यू 4. जल्दी से ये कहाँ से आया है? ये इसका मतलब क्या है? आयोटा बी क्यू है, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा ये माइनस प्लस आयोटा बी क्यू, इसमें से आयोटा कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? आयोटा बी क्यू में से आयोटा कॉमन तो क्या बचता है? बी क्यू ही क्यू, ये रहा इसमें से आयोटा कॉमन निकाला तो माइनस डी स्क्वायर के ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं, फिर भी इसके स्क्वायर का सम है 5 square minus 1 ये सॉल्व करके बताओ सर, दो x की वैल्यू और y की वैल्यू बता जल्दी से। सर हो गया x की क्या वैल्यू प्लस और माइनस 2 y की 9 and 1 प्लस माइनस 2 और y की एक बार फिर से चेक करो y की वैल्यू देखो एक बार फिर से। हाँ, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर और राइट हैंड साइड में, ठीक है? पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट की x4 minus 3x square प्लस आयोटा 2x minus y, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। राइट हैंड साइड देखिएगा 3 प्लस 1 4 फिर प्लस आयोटा कॉमन क्या बचेगा 2y माइनस 5 माइनस 5 प्लस 2y। ये बोथ साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों इक्वल है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल ये बनेगा x = 4 माइनस 3x स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस y = 2y - 5y - 5 + 2y। एक बार किसी को डाउट? अब देखिएगा
यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्या बनेगा बोलो, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, अब ये बनेगा x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4, इस स्टेप में किसी को डाउट है, मिडिल टर्म क्लियर किया, ठीक है, बोलो क्या बनेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन, x स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस इन दोनों में से x स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से x स्क्वायर माइनस 4, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4, अब x की क्या वैल्यू बोलो, प्लस और माइनस 4 और प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 नॉट 1 फोर वैल्यू मिली x की, यस, अब उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू देखते हैं, देखिए यहां से y क्या मिलेगा, ये 2y है, ये y इधर जाएगा, 2x minus 5 equals to p by, then y equals to क्या बनेगा, 2x minus 5 by 1 by 3 by 3, अच्छा हमें क्या पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, find the real value of x, तो ये तो हम यहाँ से हटा देंगे, real value x की value plus minus 2, अब y बताओ कितना होगा, 2x minus 5 by 3, x की value plus 2 put करो कितना होगा, 4 minus 5 by 3 minus 1 by 3 और x की वैल्यू माइनस टू पुट करो माइनस 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 फाइव ये y इधर आएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस वन बाय थ्री, यस, तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी बोलो, x की प्लस माइनस टू और y की 3.1 ये वैल्यू, अब इसको देखिए दोनों में से x square common, x square, x plus 1, plus इन दोनों में से 1 common, x plus 1, ये बनेगा x plus 1 और x square plus 1, ठीक है, अब ये cubic equation है तो इसके 3 root होने चाहिए, yes. तो 3 linear factor बनेंगे, yes. 1 linear factor, x plus 1, बाकी दो factor ऐसे बनेंगे, देखिए, x square plus 1 को हम लोग देख सकते हैं, x square plus 1 square, minus iota square, देख सकते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस प्लस 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 आयोटा स्क्वायर होता है वो माइनस वन आयोटा स्क्वायर है वो माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हुआ तो इस प्लस वन की जगह मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा अब ये एक्स प्लस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा हो गया तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस आयोटा एंड एक्स प्लस इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट है कौन कौन से माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा ठीक है अगर ये पॉलीनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जो इसके फैक्टर है वही इसके फैक्टर होंगे यस एक पॉलीनोमियल दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड कब होता है जो इसके फैक्टर है वही इसका फैक्टर है इसे मान लो मैंने बोला कि 16 डिवाइडेड बाय 4
इसका फैक्टर कॉमन होगा yes. तभी डिवाइड होगा yes. तो इसके फैक्टर कॉमन है, इसका मतलब इसका रूट और इसका रूट कॉमन है। इसका रूट क्या मिला, ये थ्री रूट मिले ना, कौन कौन से ये थ्री रूट। अगर इन तीनों रूट से इसकी वैल्यू जीरो बन रही है तो इसके भी रूट वही होंगे जो इसके है, तो इसके भी फैक्टर वही होंगे जो इसके। अगर सेम फैक्टर हो तो पॉलिनोमियल तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकता है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये तीनों रूट इस पॉलिनोमियल के रूट है या नहीं। सबसे पहले देखिए हम लोग तीनों सारे तो पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं तो क्या होगा कि एक फैक्टर बच जाए एफ ऑफ एक्स एक्स रेस टू फोर बी प्लस एक्स रेस टू फोर क्यू प्लस वन प्लस एक्स रेस टू फोर आर प्लस टू प्लस एक्स रेस टू फोर एस प्लस टू। सबसे पहले f ऑफ माइनस वन से चेक करते हैं, माइनस वन से चेक कर लेते हैं कि क्या इसका रूट है। अच्छा माइनस वन की पावर फोर पी क्या वैल्यू होगी, इधर माइनस वन Minus 1 is the root. आयोटा टू दी पावर फोर पी ये आयोटा माइनस माइनस कितना हुआ जीरो। तो एक्स इक्वल टू आयोटा इस पॉलिनोमियल का भी रूट है, तो एक्स माइनस आयोटा इसका फैक्टर हुआ। अब देखते हैं माइनस आयोटा एफ ऑफ माइनस आयोटा, बताइए माइनस आयोटा टू दी पावर फोर पी क्या ये बिल्कुल वैसा ही है आयोटा टू दी पावर फोर पी, क्योंकि माइनस वन की पावर फोर वन होता है। इधर देखिएगा प्लस आयोटा टू दी पावर फोर क्यू माइनस आयोटा टू दी पावर फोर क्यू प्लस वन माइनस आयोटा टू दी पावर फोर आर प्लस टू एंड माइनस आयोटा टू दी पावर फोर एस प्लस थ्री। ठीक है, अब इसमें से मैं फोर का जो मल्टीपल है वो तो हटा देता हूँ, क्योंकि इससे तो आपको वन ही मिले, यहाँ पे वन मिले, यहाँ पे जो बचा हुआ माइनस आयोटा टू दी पावर वन प्लस माइनस आयोटा टू दी पावर टू प्लस माइनस आयोटा टू दी पावर थ्री ये बचेगा। yes. अब बताना माइनस आयोटा की पावर वन कितना होता है, माइनस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, क्योंकि इस माइनस का स्क्वायर तो वन हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा, क्यों आगे का माइनस कहाँ गया, इसका स्क्वायर हो गया ना प्लस हो गया, वैसे ही इस माइनस का तो स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन आएगा। बात समझ आई, इस माइनस का क्यूब कितना हुआ माइनस, और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस, और प्लस आयोटा हो गया जीरो। तो इससे भी क्या मिलेगा जीरो। तो ये तीनों ही रूट जो इस क्यूबिक के है वही रूट इसके, तो ये कंप्लीटली पूरा का पूरा डिवाइड होता है। बात समझ आई, या फिर यो कहूँ तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसका हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यही बात समझ आई, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सा भी वो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट, और वो पॉइंट कहाँ होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, आर प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी। तो अब देखिएगा सारे नेचुरल नंबर कहाँ पे आएंगे, इंटीजर्स रियल एक्सिस, होल नंबर रियल एक्सिस, फ्रैक्शनल रियल एक्सिस, सारे के सारे इधर आएंगे, इरेशनल वगैरह रियल तक तो इधर आएंगे, उसके बाद जैसे इमेजिनरी पे जाएंगे तो इधर आएंगे। जैसे मैंने बोला कि वन प्लस आयोटा वो कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, वन तो इधर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट वन इधर, ये रहा वो पॉइंट वन कॉमा वन, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आयोटा।
क्या बात समझ आई? तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इक्वल्स टू a प्लस आल्फा, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉइंट p से, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a कॉमा b, दैट a इज डिस्टेंस फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस एंड b इज डिस्टेंस फ्रॉम रियल एक्सिस, ये डिस्टेंस है b, b ये डिस्टेंस है a, ठीक है? और इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो एंगल होता है रियल एक्सिस के साथ उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब इसके बारे में डिस्कशन कल करते हैं।